नमस्ते, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में अभी हम देखेंगे सीखेंगे नोटिस लिखना। जी हाँ, देखिए नोटिस आता है तो इस तरह से लिखा जाता है, और ये जो कुछ बिंदु है जिस पर ध्यान देना है आपको, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके पहले हमें याद करना है ये फॉर्मेट। पहला चीज़ तो ये याद रखें, पहले आप ऐसे चीना काट दें, फिर इससे करके आखिरी वाला बाद में लिखने के बाद पूरा हो जाए तो इसको काटें। कैसे लिखा हुआ है देख रहे हैं, वह इस तरह से लिखना है। चलिए कुछ बातें जो याद करना है हमें। सबसे पहले पहला चीज़, यहाँ पर स्कूल, ABC हाई स्कूल, आपका स्कूल का जो भी नाम हो यहाँ पर आप लिखेंगे बड़े कैप्शन जैसे लिखा हुआ है तो स्कूल। उसके बाद बड़ा बड़ा इस तरह से आपको लिखना है नोटिस, NOTICE। याद कर लीजिएगा अपने स्कूल का नाम का स्पेलिंग वगैरह भी अच्छा से याद कर लीजिएगा। 100 शब्दों में लिखना होता है। अगर आपके स्कूल का नाम 1 2 3 4 5 5 6 अक्षर में हो गया, 5 पकड़ चलते हैं, 5 नोटिस, 1 हो गया 6, तो क्या हुआ, पहले क्या लिखे, स्कूल नोटिस, फिर तारीख। तारीख को ठीक इसके नीचे ना लिखकर इसी लाइन में इस तरफ चला जाएगा। जहाँ हम 1 ले लेते हैं, मैं अक्षर गिन रहा हूँ। तो इसके बाद जो यहाँ होगा वो टॉपिक है। टॉपिक कहाँ से लेंगे, टॉपिक आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। कम से कम 2 टॉपिक तो रहेगा ही, टॉपिक में 2 शब्द तो रहेंगे ही। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन, 5 6 7, 7 दोनों हो गया, हम इसको पूरा का पूरा 10 लेकर चल रहे हैं, तो 10 कम से कम 10 मिल जाएगा यहाँ पर। 90 में से 10 तो हो गया, आगे 90 के लिए। इसके बाद अच्छा, इसमें से एक भी नहीं छूटना चाहिए, याद रख लीजिएगा। स्कूल नोटिस तारीख टॉपिक, स्कूल नोटिस तारीख टॉपिक, 4 जगह होना चाहिए। और इस तरह से आगे जो याद रखना है आपको फॉर्मेट में, यहाँ से स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यहाँ तक आपको याद कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया यहाँ से, 10 11 21 हो गया, यानी कि और 80। आते हैं आगे, इसके बाद आपको जो याद रखना है वो है यहाँ से, नो रजिस्ट्रेशन फी इज रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन द अंडर साइंड मे बी कॉन्टेक्टेड। हो गया, नो रजिस्ट्रेशन फी इज रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग कंपटीशन फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन द अंडरसाइंड में बी कॉन्टेक्टेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ इधर। इस प्रतिज्ञा भाग लेने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, फीस नहीं लगेगा। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप इनसे अंडर साइंस से दोनों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो 19 हुआ, में से 20 19, 19 को 20 कैसे ले सकते हैं, तो 19 ले लिए, 19 इधर हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं 10 10 20 और 20 40, क्योंकि यहाँ 11 था, 40 हो गया, 40 हो गया।
हो गया और चार आपको 60। इधर आते हैं काउंटर साइंट, एक याद कर लीजिएगा काउंट गिनना, टर काउंटर और साइन में ईट लगा दिए, काउंटर हेड मास्टर, एक दो ये आपका नाम होगा, कम से कम तीन या दो, दो ही ले लेते हैं, ये साइन आएगा तो एक में आ जाएगा, साइन करना है, एक हो गया यहाँ पर, एक यहाँ पर दो सेक्रेटरी रहेगा ही, एक दो तीन चार फिर पांच, इसको का नाम पांच दस पकड़ लेते हैं यहाँ पर भी, ठीक है दस। अच्छा ये जो रहेगा ये और ये साइन तो रहेगा ये आपका स्कूल का नाम रहेगा, ये दोनों के लिए आपको क्वेश्चन पेपर देखना है, ठीक है दस यहाँ हो गया, इधर से दो ले लेते हैं, बारह हो गया, चालीस पचास बावन, बावन आपका हो गया, और आपको चाहिए कितना अंदर लिखने के लिए, देखिए लगभग आप समझ रहे हैं, चालीस रहेगा दो हो जाएगा, तीस से चालीस आप अंदर लिख लेंगे हो गया, और तीस से चालीस कहाँ से आएगा, एकदम आसान है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो पहले याद रखना है, याद हो गया स्कूल नोटिस तारीख टॉपिक, स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, नो रजिस्ट्रेशन फी इज रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन, फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन द अंडरस्टैंड मे बी कॉन्टेक्टेड। अभी यहाँ पर गौर रखेंगे, कंपटीशन द कंपटीशन, कोई प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम का भी नाम लीजिए, अच्छा ये हो गया, आते हैं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन में, देखिए सात नंबर, इतना सारा शब्दों का क्वेश्चन है, जितनी बड़ा क्वेश्चन जितना बड़ा क्वेश्चन उतना खुशी की बात, क्योंकि आपको भरने के लिए आराम से मिल जाएगा अंदर में, आते हैं देखिए सारे शब्द यहाँ से खोलेंगे, योर स्कूल इज गोइंग टू होस्ट द इंटर स्कूल डिस्पेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन, आप देख रहे हैं गोइंग टू होस्ट, आपके स्कूल करने जा रहा है आयोजन, मेहमान नवाजी, सब स्कूल आपके स्कूल में आके करेंगे खेलेंगे तो ये होस्ट बोला जाता है, आप स्कूल आयोजन करने जा रहे हैं या टू होस्ट, ऑर्गेनाइज की जगह टू होस्ट कर देंगे, तो ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं कोई बात नहीं, गलत नहीं होता है, गोइंग टू ऑर्गेनाइज जो आप लिखे उसी से आप चालू करिए, ये हॉस्टल में दीजिए, हो गया, यहाँ देखिए एक दो तीन चार पाँच, पांच शब्द यहाँ मिल गया आपका, 35 में से पांच हो गया, 40 में से पांच हो गया और 35, सपोज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ योर स्कूल, स्पोर्ट्स क्लब स्कूल और सेक्रेटरी, तीन चीज़ आपको मिल गया, ये तीनों यहाँ होता है आखिर में, ये यहाँ स्टूडेंट सेक्रेटरी, यहाँ स्पोर्ट्स क्लब और स्कूल का नाम, तीनों हो गया, ऊपर से साइन करना था आपको, अब आते हैं फिर से यहाँ पर, राइट ए नोटिस, सो शब्दों को अंदर लिखना है, कॉलिंग स्टूडेंट तक यहाँ देखिए बोला है कॉलिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को निमंत्रण करिए, बुलाइए, ठीक है उन घोषणा के लिए, यहाँ से एक वाक्य बनेगा स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन में भाग लेने के लिए उन्हें कहिए, तो यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस में लिखा जाता है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे केवल आर रिक्वेस्टेड जोड़ेंगे और हो जाएगा, आर रिक्वेस्टेड स्टूडेंट्स के बाद लिख देंगे, देखिए स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, हो गया स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड
पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ आठ प्लस 13 हो गया। आते हैं आगे, मेंशन द टाइम, टाइम बताना है, डेट और वेन्यू, जगह जहाँ पर कंपटीशन होगा। देयर बी काउंटर साइन हेडमास्टर या हेडमिनिस्ट्रेट ऑफ योर स्कूल, ये काउंटर साइन जहाँ दिख रहे हैं या हेडमिनिस्ट्रेट लिख दें, काउंटर साइन तो वही रहेगा, या हेडमिनिस्ट्रेट लिख देंगे अगर मेम है आपके यहाँ पर, हेडमास्टर तो हेडमास्टर लिख देंगे। तो यहाँ हो गया, अंदर वाला ही था, तो आठ गए इधर, आठ पर 13 लगभग 20 समझ लीजिए, और यहाँ से हमें भरना है डेट टाइम प्लेस कहाँ होगा आपका, लगभग 80-90 के बीच हो गया, बस 100 के अंदर लिखना है। कैसे डेट टाइम लिखना है लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ दिखा दे रहा हूँ, फिर पोजिशन की मदद से लिखना है। पहले तो ये हो गया, और इसको गोइंग टू ऑर्गेनाइज या टू होस्ट, जैसा कि आपका मर्जी, तो लिखा हुआ लिख लेंगे, टू होस्ट, होस्ट में तो लिख लीजिएगा, द इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन, ये पूरा का पूरा वहाँ आ जाएगा। इसमें आपने कुछ नहीं किया, वहीं से सजा दिए। The students are hereby informed that our school is going to host the inter-school district sports competition. अब आते हैं प्रीपोजिशन की मदद से, कब कहाँ कैसे लिखिए, ऑन लगा कर लिखेंगे तारीख, ऑन 3 सितंबर 2021 है, 21 हो गया। वहाँ पर होगा तो भाई इन द स्कूल ऑडिटोरियम तो होगा नहीं, खेला है तो कहाँ, टाइम भी लिख सकते हैं, दिन भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका क्या उनसे खेला है, इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन है, जिसका दिन होगा, देखिए यहाँ पर हम इन द स्कूल कंपाउंड कर देंगे, ऑडिटोरियम की जगह इन द स्कूल कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं, इन द स्कूल कंपाउंड, डेट लिख देंगे फ्रॉम यहाँ तक, इतना तारीख को होगा, कब से कब होगा, इतना तारीख को होगा, कब तक होगा भी लिखना है, तो यहाँ पर इस डेट को आप लिख सकते हैं बदल कर, ऑन की जगह लिख सकते हैं फ्रॉम, कंपटीशन फ्रॉम करके 3 सितंबर 2021 टू 10 दिन 20 दिन ले लीजिए, 10 दिन ही ले लीजिए, 13 सितंबर 2021, मतलब 3 तारीख से 13 तारीख तक होगा, हो गया, इन इन द स्कूल कंपार्टमेंट हो गया, लिस्ट ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 10 AM 10 बजे से 4 बजे तक, फ्रॉम 10 AM टू 4 PM हो गया, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब रहा इसमें कौन सा खेल होगा बता सकते हैं, द कंपटीशंस विल बी लिखा हुआ है, ऑन सेवरल कैटेगरीज ऑफ म्यूजिक है, तो आप ऑन फुटबॉल लिख दीजिएगा, द कंपटीशन विल बी ऑन फुटबॉल, फुटबॉल कंपटीशन होगा, फुल स्टॉप लगा दिए, कितने क्लास का होगा अभी लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 and 2 12 कैन पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, ये पूरा आप लिख सकते हैं, ये रिकॉल रिकॉलिंग हो गया, जैसे कि स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, ये स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 and 12 आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, ऐसे बोल सकते हैं, अच्छा रहेगा, इसी को लिख दीजिएगा, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 टू 12
कैन पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। और हो गया, अब यहाँ से आप लिख देंगे आपका 20 शब्द हो गया है। रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ से फिर चालू कर देंगे, रजिस्ट्रेशन फी इज रिक्वायर्ड। एक चीज़ और है, यहाँ पर आप ये हो गया और बता सकते हैं कि जो भाग लेना चाहते हैं वो तो अपना नाम लिखाना पड़ेगा, लिखवा दें। तो देखिए, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड रजिस्टर देयर नेम्स विद द म्यूजिक टीचर बिफोर, यानी डेट ले देंगे 3 तारीख से पहले। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड रजिस्टर देयर नेम्स विद द म्यूजिक टीचर बिफोर, इतना लगा सकते हो गया। ये आपका सवाल क्या का था इसमें, देखिए पहले तो आपको यहाँ पर ऑन वगैरह लगा कर लिखना था, भाग लेने के लिए रिकॉर्डिंग कर दिए, अभी बता दी जो इंटरेस्टेड है वो भाग ले सकते हैं, अपना नाम लिखवा देंगे, बस हो गया पूरा। इस तरह से आप नोटिस दे सकते हैं, और कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इन्फॉर्म पूछ सकते हैं आप, इस तरह से हो जाएगा। बस इतना ही, धन्यवाद।